अच्छा जी, ये लैन कार्ड हमारा, ठीक है। जब आप कनेक्ट करोगे आपको ये इस तरह मिलेगा, ये चेक मिलेगा। ये चेक क्यों लगाता है? ये चेक फिजिकली तो ये कनेक्टेड है उस सोर्स से, इस सिस्टम से, लेकिन अभी कोई दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जब लैन कार्ड को आईपी एड्रेस कहीं से नहीं मिलता जिसकी बेस पे उसने कम्युनिकेशन करनी होती है, तो तब ये पीला निशान लगा देता है। इसका मतलब ये है कि लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी, यानी कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसकी। फिजिकली हार्डवेयर कनेक्टेड है लेकिन लॉजिकली वो अपना काम नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसके लिए आईपी एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट पे देखोगे वहाँ पे भी लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी, यानी ये कनेक्टेड ही नहीं है उसके खाते में। अब अगर आप इस पीले निशान से तंग हो या आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने क्या काम करना है, इस पीले निशान को हटा भी सकते हो। यहाँ जाकर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये जो नोटिफाई वाला चेक है ना, इसको हटा कर ये शो आइकन कर देना नोटिफिकेशन। अब ये चेक यहाँ से हट गया और ये कुछ लाइन क्लियर हो गई, यूँ लग रहा है जैसे कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड अभी भी नहीं है। अब यहाँ पे आओ, ये एक आईपी आपको यहाँ पे शो करवाता है। जब कहीं से इसको कोई आईपी नहीं मिलता, ये खुद से ये आईपी लेके बैठ जाता है। इसको कहते हैं अपीपा आईपी एड्रेस, अपीपा आईपी एड्रेस इसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है नो कनेक्टिविटी, समझ आएगी बात। उस सूरत में, चेक की सूरत में ये दिखाता नहीं है, हाइड किया होता है इसने। जब हम चेक हटा देते हैं तो ये फिजिकली दिखा देता है, जनाब ये आईपी, इसका मतलब है किसी से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई आपको। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर एक बात जहन में रखो कि बगैर आईपी के आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कभी भी डाटा नहीं ले सकते। लेकिन ये एक वाहिद राउटर है माइक्रोटिक का, ये फर्स्ट, ये भी आईपी के बेस के ऊपर ही चलता है, आईपी से ही एक दूसरे कंप्यूटर से डाटा लेता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये अपने फिजिकल एड्रेस से ये एक्सेस हो जाता है, इसको आईपी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर लैन कार्ड का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। उस मैक एड्रेस की बेस पे विन बॉक्स से ये कनेक्ट करवा लेता है कंप्यूटर को अपने राउटर बोर्ड से। हालांकि मैंने आपको बताया कि आईपी की बेस के ऊपर कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर आईपी नहीं है तो इट्स मीन कि आपका डाटा सेंड एंड रिसीव नहीं हो सकता, लेकिन ये करवा लेता है मैक की बेस के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि विन बॉक्स मिल जाएगा मेरे से, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, ये विन बॉक्स लोडर है बेसिकली। ये क्या काम करता है, आपके राउटर को लोड करवाता है, ठीक है, जीयूआई मोड के अंदर। तो ये इसकी टाइटल बार है, ये इसका वर्जन है इसका। आगे ये लिखा कनेक्टिव, कनेक्टिव से मुराद आपने कौन से राउटर से आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। ये तीन डॉट्स वाला बटन यहाँ पर प्रेस करना आपने, ठीक है। अब थोड़ी देर में ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये मैक एड्रेस है उस लैन कार्ड का, वो जो जिसके ऊपर वाइट केबल लगी हुई है उसी के ऊपर इंस्टॉल है ना ये, ठीक है। ये उसका है, ये उसका आईपी, ये उसकी आइडेंटिटी, और ये उसका वर्जन 5.20, और x86 से मुराद ये है 32-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब आपने मैक के ऊपर आपने क्लिक करना है और एडमिन यहाँ पे यूज़र नेम लिख देना आपने, पासवर्ड आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है, और कनेक्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है। थोड़ा सा इमेज लोड करेगा, उसके बाद इस फॉर्म में ये आपको पहला स्क्रीन ये आएगी, राउटर ओएस वेलकम आपको कह रहा है। साथ में ये भी कह रहा है कि भाई कॉशन दे रहा है कि ये ट्रायल बेस है, ठीक है, इसके बाद में आपने लाइसेंस परचेज करना है इसका। अब मैं आपको इसकी क्रैकिंग बताने लगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। आप ये लाइसेंस वाला बटन प्रेस कर लेना यहीं पर, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर वही वाला टाइम आ रहा है और की लगी हुई है इसको, ठीक है। अब जो जिस सीडी से मैंने इंस्टॉल किया ना माइक्रोटिक, आपने ये विंडो एक्सपी वाली मशीन में डाल देनी, ठीक है। इसी के अंदर क्रैक पड़ा हुआ इसका, जब ये क्रैक हो जाएगा ये चीज़ हट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा लेवल 6, सॉरी यहाँ पे 06 लेवल आ जाएगा। यहाँ पे कहेगा अपग्रेड, इसका कौन से वर्जन तक अपग्रेड हो सकता है। जब अपग्रेड हो जाएगा तो ये फिर जेन्युइन हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब ये सीडी खुल गई है मेरे सामने,
इसी सीडी के अंदर ये की पड़ी हुई है, ये बस की हमने उधर पेस्ट करवानी है और कुछ नहीं करना। तो इंपोर्ट की का बटन आप प्रेस करें यहाँ पे, ये मेरा सीडी रोम है, ठीक है, एच ड्राइव माइक्रोटिक की सीडी डाली, ये की वाला फोल्डर आपने खोलना है, इसके अंदर ये की आपने ओपन करा देनी है। ये कह जी रीबूट का मैसेज देगा, आपने इसको रीबूट कर देना, यस। लो जी, अगर आप माइक्रोटिक वाला कंप्यूटर देखेंगे वो रीबूट हो रहा होगा। तो ये हमने विन बॉक्स, एक रिमोट कंट्रोल है आपका, तो रिमोट कंट्रोल के तौर पे हमने इसको इस्तेमाल किया और इसको हमने एक्सेस कर लिया। अब ये सर्विसेज उसकी लोड कर रहा है और इसने चला दी। आप अगर आप एडमिन, इधर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कर लेते हैं। अब वो पैराग्राफ नहीं देगा, आप फुल वर्जन आ गया हमारे पास, ठीक है। वापस आते हैं अपनी एक्चुअल मशीन के ऊपर। अच्छा, एक दफ़ा उसने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा करना है आपने कनेक्ट इसको। एक दफ़ा मैक लिख दिया था, एनफ है, बार बार ना आप इसको करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाएगा, थोड़ी थोड़ा सा डिले करके आता है, तो कनेक्ट बटन प्रेस कर देना। हेलो जी, ये आ गया, ये इसकी टाइटल बार है, एडमिन यूज़र है जिसने ये एक्सेस किया हुआ है, कौन से इंटरफेस का मैक एड्रेस है, ये उस इंटरफेस का मैक एड्रेस है जो लैन वाला है, ठीक है। क्या एक्सेस किया, माइक्रोटेक एक्सेस किया, वर्जन उसका क्या है, 5.20 और 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टाइटल बार के अंदर बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूज़र कनेक्ट करेगा उसका यहाँ पर यूज़र नेम आएगा। अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर सारे का सारा मेन्यू है, मेन्यू के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज़ है इंटरफेस, इंटरफेस से मुराद है लैन कार्ड जो इसके अंदर फिजिकली लगा है। देखो यार, बात ये होती है कि जब हम किसी राउटर की इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, हमें उसके अंदर बताना पड़ता है कि तुम्हारी लैन कौन सी है और वैन कौन सी है। जबकि आजकल जो माइक्रो आजकल जो राउटर मिलते हैं, जैसे टीपी लिंक के हो गए, डी लिंक के होते हो गए, उनके अंदर एक वैन पोर्ट होती है, वो अलहदा रखी होती है उन्होंने, और बाकी सारी की सारी लैन पोर्ट होती है। अब इसके अंदर ये नहीं होता, इसके अंदर वो कहता है जितनी मर्ज़ी लैन बना लो, जिसको मर्ज़ी बना लो और जितनी मर्ज़ी लैन बना लो, यानी लैन वैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके दो बनानी है, आपने तीन में, आप जितना आपका दिल करता बनाओ, ठीक है। उसने फ्री ओपन हैंड छोड़ दिया इसके। अच्छा, इस वक्त इस कंप्यूटर के अंदर 3 लैन कार्ड लगा मिला, ठीक है। ये इंटरफेस का डायलॉग बॉक्स है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, ये लैन कार्ड को इथर कहता है, ठीक है, इथर 1, 2, 3 एक तरतीब से उसने एक्सेस किया ना। अच्छा, ये वाला जो इथर है, इसके ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ TX, TX मीन ट्रांसफ़र रेट, TX मीन ट्रांसफ़र रेट, यानी ये डाटा उसको ट्रांसफ़र करेगा, ये उसकी रेट दिखाएगा वहाँ पे, उसकी वैल्यू दिखाएगा कितनी स्पीड से कर रहा है, ठीक है, TX इसको कहते हैं। और RX कहते हैं रिसीव रेट, कि ये कहीं से डाटा हासिल करेगा वो उसका दिखाएगा, यानी ये आउटगोइंग और ये इनकमिंग, यूँ कह सकते हैं आप। अभी देखें इसके ऊपर ये रेट आ रहा है, अभी देखें वेरिएशन आ रही है उसके अंदर, क्यों वेरिएशन आ रही है, ये जो कंप्यूटर है ये उस स्विच की मदद से, विन बॉक्स की मदद से उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये उस चीज़ का ट्रांसफ़र रेट आ रहा है, यानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, जब बातें करेंगे तो ट्रांसफ़र रेट आएगा। और नीचे भी देखो ये बातें हो रही हैं, यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नहीं, इंटरनेट को अभी साइड पे छोड़ दो, अभी आप उसकी बात ही नहीं अभी करनी है, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी देख लो कि कोई आईपी नहीं मिला हुआ अभी, लेकिन बातें कर रहे हैं, किसके जरिए, ये विन बॉक्स के जरिए कर रहे हैं बातें, ठीक है। विन बॉक्स के अंदर इतनी पावर है, वो फिजिकल एड्रेस के बेस के ऊपर आपको कम्युनिकेशन करवा देता है, लेकिन आगे जाके हमें उसकी आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने क्या काम करना, जिसके ऊपर ये ट्रैफिक आ रही है ना, इट्स मीन यही वाली केबल आपके स्विच से कनेक्टेड है और सिस्टम से कनेक्टेड है जिससे आपने इसको एक्सेस किया हुआ, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, बस इसको कर दें लैन, लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क, और ये हमारा लैन कार्ड होगा आउट इंटरफेस, ठीक है, ये हमारा आउट इंटरफेस, इससे लोगों के कंप्यूटर की तरफ ट्रैफिक जाएगी, इससे इंटरनेट की सर्विसेज बाहर जाएंगी माइक्रोटिक से, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, ठीक है जी, ये आउट के लिए हो गया। अब मैंने 3 के लैन कार्ड लगाए हैं,
अब फर्ज करो ये है ही नहीं है, मुझे पता ये कि मेरी केबल जो है ना इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। आपने दो लाइन कट लगाने हैं, कन्फ्यूजन नहीं आपने करनी, ठीक है, दो लाइन कट लगाएंगे आपको समझ आ जाएगी। जिस केबल के ऊपर आपका ट्रांसफर रेट आ रहा चुप करके उसको लैन कर देना, और जिसके ऊपर नहीं आ रहा उसको वैन कर देना, ठीक है। नहीं उसमें एक काफ़ी है, एक काफ़ी, हाँ एक काफ़ी। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ वैन, ठीक हो गया जी, यानी एक लैन और एक वैन। और ये क्या होगा, इसको कमेंट्स भी यहाँ पे दे दो, ये होगा इन इंटरफेस, इससे माइक्रोटिक के अंदर डाटा आएगा, ट्रैफिक इंटरनेट की आएगी, इंटरनेट आएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ समझ आ गई, तो सबसे पहला काम आपका इंटरफेस डिक्लेयर करने है आपने कि कौन सा वाइड एरिया के लिए और कौन सा लोकल एरिया के लिए, ठीक हो गया काम, इसको कर देना बंद। अब हमने क्या काम करना है, ये दो जो इंटरफेस दिए ना, हमने नाम तो दे दिए, ये नाम ऐसे लॉजिकली हैं इसके, लेकिन असल नाम इसका आईपी डैश ही है। अब इसके ऊपर भी हमने आईपी डैश दिखाना है, चलाना है, और इसके ऊपर भी लगाना है। आईपी डैश लगेंगे तो ये फिर फिजिकली आपको, यानी कि लॉजिकली ये कम्युनिकेशन कर सकेगा, इंटरनेट की सर्विसेज दे सकेगा। तो सबसे पहले इसका नाम देते हैं, आईपी देते हैं, उसके बाद इसका आईपी देते हैं, ठीक हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बताऊं यार, थोड़ा सा हम वर्क कर लेते हैं पहले, बल्कि यहाँ पे आ जाओ, आईपी एड्रेस। अच्छा ए क्लास, बल्कि इसको यूं करते हैं, नहीं चलिए ये ठीक है। अच्छा ए क्लास, इसके बाद सी क्लास, तीन क्लासें होती हैं आईपी एड्रेस की, ए बी और सी। नॉर्मली हम प्राइवेट जब कोई नेटवर्क बनाते हैं ना तो उसके अंदर हम सी क्लास देते हैं, ठीक है। अब सी क्लास के अंदर होता क्या है कि ये क्लास स्टार्ट होती है 192 से, मैं सी क्लास का एक आईपी लिख रहा हूँ, सी क्लास 192 से स्टार्ट होती है, .168 डॉट मैं ज़ीरो कर देता हूँ और वन कर देता हूँ, ये एक सी क्लास का आईपी एड्रेस है। अच्छा अब पहले इसके बारे में बता दूं, बी क्लास, बी क्लास जो हमारी स्टार्ट होती है ये 172 से स्टार्ट होती है, ठीक है, एक आईपी मैंने लिख दिया 172 से स्टार्ट होती है। अच्छा और कुछ भी लिख देते हैं आगे, 156 लिख देते हैं, ठीक है, डॉट 100.1 कर देते हैं, ठीक है, ये बी क्लास है। अब ए क्लास क्या होगा, ये 10 से स्टार्ट हो गई, यानी हर क्लास का मैंने एक एक आईपी एड्रेस लिखा है। अब ये बात ध्यान में रखना कि जितनी भी क्लासेस होंगी आईपी एड्रेस की, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है, सी क्लास की भी बात कर रहा हूँ, सी क्लास के अंदर पहले तीन डिजिट, इसको हम कहते हैं पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन और चौथा पोर्शन, यानी एक आईपी के अंदर चार पोर्शन होते हैं। पोर्शन को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ऑक्टेट कहते हैं, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट, ठीक हो गया। अच्छा अब सी क्लास के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क आईडी होती है ना, वो ये होती है, पहले तीन डिजिट आपके पास नेटवर्क आईडी होती है, यानी किसी भी आईपी के अंदर ले लोगे ना, दो चीज़ें आपको मिलेंगी,
एक मिलेगी नेटवर्क आईडी, ठीक है, और दूसरी मिलेगी होस्ट आईडी। ये कंसेप्ट क्लियर करना आपका, ठीक है। इस क्लास के अंदर ये वाला 3 डिजिट नेटवर्क आईडी और ये वाला 1 डिजिट होस्ट आईडी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। विंडोज़ के अंदर जब आप TCP/IP की प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे ये आईपी एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देता हूँ आईपी एड्रेस, ये एक सी क्लास के मैंने आईपी एड्रेस दिया। लेकिन अब कंप्यूटर को भी समझाना है ना कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, उसको नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट तो जो क्या करती है वो खुद से समझा लेती है। ये मैं टैब की प्रेस करूँगा, नीचे आ जाएगा 255.255.255.0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिसके नीचे ये 255 आएगा ना, जिस ऑक्टेट के नीचे, वो आपकी नेटवर्क आईडी होगी। आप तीनों के नीचे 255 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले 3 डिजिट, पहले 3 आपके नेटवर्क आईडी है, बाकी आखिरी वाला जो डिजिट है वो होस्ट आईडी है। यानी ये वाला जो डिजिट होगा हर कंप्यूटर का, हर कंप्यूटर का मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये पहले 3 डिजिट वो उसके सेम होंगे, उसमें उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, सी क्लास के अंदर 256 क्लाइंट आप कनेक्ट कर सकते हो, 256। अभी मैं इसका आपको बताऊंगा। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं बी क्लास आपको थोड़ी सी समझाता हूँ। बी क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है? आई थिंक 176 होती है, देख लेता हूँ मैं। यस, 172 से नहीं, 170 से स्टार्ट होती है। मैं गलत देखता हूँ, 170 से ही स्टार्ट होती है। अच्छा, अब ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क, ये बड़ा चलाक है। इसको पता चल जाता है मैंने कौन सी क्लास का आईपी लिखा है। अब ये देखें, अब ये मैंने 170 लिखा है, इसको पता चल गया जनाब ये बी क्लास का नेटवर्क है। तो अब देखो कैसे पता चला, जिसके नीचे 255 आएगा वो नेटवर्क आईडी होगी। अब दोनों के नीचे आ रहा है ना, तो बी क्लास के अंदर जो आपका नेटवर्क आईडी होते हैं वो पहले 2 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, और आखिरी 2 ऑक्टेट वो आपके होस्ट आईडी होते हैं। पहले ये फील होता है, फिर ये फील होता है। जैसे आपने कोई मीटर देखा होगा मोटरसाइकिल का, 1 डिजिट आता है वो पूरा करता है, फिर दूसरा आता है 10 तक जाता है, फिर वो पूरा आगे चलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 255 होंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर वो 255 होंगे, फिर दोबारा इसको करेगा। इस तरीके से ये 63,536 आप कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो बी क्लास के अंदर। आप 63,536 आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये चीज़, इसको हम सबनेट आईडी बोलते हैं या बिट काउंट बोलते हैं, बिट काउंट या सबनेट आईडी बोलते हैं, सबनेट मास्क बोलते हैं। अब एक चीज़ और देखो, अब मैं ए क्लास की बात करने लगाऊँ, ये निकाल लेता है माइक्रोटिक जो है ना, उसको नहीं पता चलता, उसको बताना पड़ता है सारा कोई कि भाई इतनी ये क्लास लगाओ, इतना इसका बिट काउंट होगा, इतना इसका सबनेट मास होगा। 10 से स्टार्ट होती है जी। अब आपको कहे सर आपको कैसे पता ये 10 से स्टार्ट होती है? भाई मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा, ये 10 से ही स्टार्ट होती है। अगर पीछे से स्टार्ट हो रही है तो वो कोई और चीज़ बन जाती है। ये देखो, अब इसके अंदर वो चेक कर लिया उसने कहा जी ये नेटवर्क पोर्शन है आपका, बस सिर्फ इसके अंदर, बाकी इसके अंदर ये सारे के सारे 3 डिजिट आपके होस्ट आईडी है, ये क्लाइंट साइड पर जाके चेंज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कभी करेंगे। समझाएगी बात? अच्छा, अब दोबारा चलते हैं। ज़रा एक चीज़ बस मैं आपको बता दूँ, अब ये तो मैंने सबनेट मास्क आपको बताया ना भाई, अब मैं एक आईपी दे रहा हूँ। ये जो पूरी चीज़ आती है ना, इसको कहते हैं बिट काउंट या सबनेट मास्क। अब ये जो सी क्लास होती है ना, तो इसके अंदर जो बिट काउंट होता है ना सी क्लास के अंदर, ये होता है 24 का मतलब ये है 255.255.255.0, इसका मतलब ये है 24 का, समझ रहे बात। और अब अगर, और इसका होता है